Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. कर बचावे दूजे दा देख है ना चला तेरे लिए देसी घी में हलवा बना कर लाई हूँ, ले खा ले। अच्छा, लेकिन आप कौन सी वाली मौसी हैं? मेरा सारा हलवा खा गया, अब मेरा बेटा रोशनलाल क्या खाएगा? अरे मैं तो उसके लिए असली घी में बना कर लाई थी, इतनी मेवाएं डाली थी मैंने। अरे कमबख्त, तू सारा का सारा खा गया मेरा हलवा। ला दे मुझे वापस दे मेरा हलवा। मुबारक हो भाई साहब, पट्टी खुल गई। लेकिन बाबूजी हुआ क्या था यार? पता नहीं हुआ था यार। कैसी तबीयत है किचन जी? वैसे भाभी सिर के एक्स में क्या निकला था? कोई फ्रैक्चर, कोई छेद, कोई खाली जगह वगैरह? चुप चुप बोलो करनाल सिंह। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ये दूसरा एक्सरे किस लिए? इसमें भी कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ प्रिकॉशन के लिए भाई साहब, डॉक्टर ने कहा है। तो देख लेते हैं। वैसे ब्रेन टेस्ट करवाया इसका? ब्रेन टेस्ट की क्या जरूरत थी? वो भाई बड़ी गनीमत से जो मौका आता है कि मेरे यार के सिर पे चोट लगी है, डॉक्टर लोग भी देख लेते हैं कि इतनी फिक्री इतनी खोपड़ी से कहां से निकलती हैं, इतने गुबार कहां से निकलते हैं। बाय द वे, हॉस्पिटल में आकर इसका क्या हाल है? तेरे जैसे दिमागदारों ने दिमाग खराब कर रखा है। बातें ऐसी करता पहले तो आगे दिल जलों वाली। जानते हैं हम डॉक्टर से बचने के लिए दद्दू और मैं लिफ्ट की जगह सीरो में चढ़कर आए हैं व्यायाम के लिए। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? कर्नल, अब तुम ये टोमेटो सूप पी लो, अभी तो गर्मा गर्म है। ठंडा भी होता तो कोई बात नहीं, मेरा यार पहले ही बहुत गर्म है। ले बेटो। तुम भी कमाल हो कर्नल, और तुम दोनों की गर्मी भी कमाल है। भगवान इस गर्मी को हमेशा हमेशा बनाए रखे। और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। चले कर्नल सिंह, अब तो तुम्हारे दोस्त की कल छुट्टी हो ही जाएगी। हाँ भाई, इतनी इतनी सोनी नर्सें और डॉक्टरियां देखकर किसी की भी छुट्टी हो सकती है। अभी जी, चलने से पहले फोन कर दीजिएगा, हम लेने आ जाएंगे। थैंक यू भाई साहब। चलें। थैंक यू जी। बिट्टू चलो, बेटे चलो, हम चलते हैं। क्या है वाला यार? अरे आ भैया, ले अभी तो ठीक है, मेरे लिए चाय लेके आया। ये लो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। वैसे आज आपकी छुट्टी होने वाली है ना, खैरियत से घर जाइए। जय जी ने कहा था कि आते समय आलतू फालतू चीजें खाता ना।
इंजेक्शन मंगवा लिया था? इंजेक्शन? वही जो डॉक्टर ने पर्ची पर लिख कर दिया था ना। वो तो मंगवाया नहीं सिस्टर। अरे क्यों नहीं मंगवाया, हमसे कह दिया होता हम ले आते भाई। क्यों क्यों करते हो तुम लोग ऐसी गलती? इंजेक्शन मंगवाओगे नहीं, लगवाओगे नहीं तो आराम कहाँ से आएगा? क्या करूँ, घर से कोई आया ही नहीं सिस्टर, किससे मंगवाता? अरे तो हम उनको बोल देते ना, हम ले आते। क्या बताऊँ मेरे भाई, मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। पैसों की क्या बात है, अरे पहले जान है फिर जहान है। आप हमसे कह देते हम ले आते, पैसे बाद में आ जाते। अरे आदमी इन आदमी के काम नहीं आएगा मुसीबत में तो कौन आएगा? जय वाला ले भाई फकीर जान। आ गया, मुझे पता था तू टाइम पे आ जाएगा। अल्लाह वेला चाहे दे। मुझे बात कुछ यार, बैठा रहो, बाहर जाएगा तो फिक्र करेगा पूरा। पर यार कोई वजह है इस वजह से बोल रहा हूँ। चल जरा एक चीज दिखाता हूँ। क्या कर रहा है तूने? तो इसलिए मुझे बाहर छोड़ने आ रहा था। हाँ यार, मुझे लगता है इस आदमी के कंबल के अंदर जरूर कोई षड्यंत्र है। यार तुम्हें क्या पड़ी है, सवेरे अपनी छुट्टी करा, मजे से घर जा। नहीं यार, मुझे पूरी रात फिक्र होता रहा, मुझे लगता है कोई ना कोई अनर्थ होने वाला है। हे वाहेगुरु, कहीं तो चैन बख्शे सच्चे पातशाह। यार देख, तुझे सच्चे पातशाह का वास्ता, तुझे मेरी सच्ची दोस्ती का वास्ता, तुझे मैंने जैसे समझाया ना, तू बस बिल्कुल वैसे कर ले तो तू देखना वाहेगुरु की कृपा से किसी ना किसी का भला ही होगा। यार तू इतने सारे वास्ते डालकर मेरा तो बसला ही बांध दिया। अच्छा ऐसे मैं वापसी पे दीन से बात करूंगा। ठीक है, ओके ठीक है, ख्याल रखना। डॉक्टर अब इन्हें कब घर जाने देंगे आप? मैंने कल कहा तो था कि इन्हें आज रिलीव कर देंगे, लेकिन देखिए अब जैसा मिस्टर फकीर चंद चाहते हैं कि कुछ और टेस्ट कर लिए जाए और ये कंफर्म कर लिया जाए कि बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रही। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन डॉक्टर, विल नॉट रिलीव हिम टुडे, हम कुछ और इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको भेजेंगे। अच्छा भाभी, दफ्तर से लौटते हुए फिर चक्कर लगाऊंगा, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो शीला को फोन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू मल्होत्रा जी, बाय। थैंक यू भाई साहब, आपकी तो आज छुट्टी होने वाली थी ना, अब गए नहीं? जी हाँ भाई साहब, होने तो वाली थी पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, इन्हीं की कुछ किंतु परंतु का निवारण जो कर रहे हैं। ये तो कुछ जंतुओं को भी सुधार।
इसी तरह लालच करती रही ना तो इस दिन हम सब की ऐसी तैसी हो जाएगी कंपास। छेदीलाल तुम्हारा बयान इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, अब तुम बच के नहीं जा सकते। कहां तुम्हारा जोड़ीदार? वार्ड ऊपर वार्ड में है। कहां वार्ड में? ऊपर। संभालिए इंस्पेक्टर साहब इसको। इस कागज से पकड़ के लाया हूं मैं इसको ऊपर से। सारे भेद खोल दिए इस भेदीलाल ने, पलंग के नीचे छुपा हुआ था कमबख्त। थैंक यू फकीर चंद जी, ये सब आपकी ही कोशिश है जिनकी वजह से हमें अस्पताल में इतने बड़े स्कैंडल का पता चल सका। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू। नहीं जी, मुझे भी कहां पता चलता अगर मुझे शक ना हो जाता कि छेदीलाल की जगह पे भेदीलाल क्यों आता है, और जब भेदीलाल चला जाता है तो छेदीलाल आके वहां क्यों सो जाता है। जब मुझे शक हुआ तो फिर मैंने छेदीलाल का पीछा किया, पीछा किया तो शक यकीन में बदल गया जी, और जब यकीन हो गया तो फिर मैंने कर्नल से बोला, तब लाया कर्नल इंस्पेक्टर साहब को, मल्होत्रा जी को और सिंधवानी साहब को। फकीर चंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छेदीलाल के बेबी लिफ्टर गिरोह की तलाश हमें कई दिनों से थी और आपने हमारा काम आसान कर दिया, थैंक्स अगेन। पर एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर साहब, बड़ी ये अस्पताल में काय को भर्ती हो गया था? अदालत में गलत सबूत दे सके कि कह सके कि मैं बीमार था और हॉस्पिटल में दाखिल था, इसलिए इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी था। इन्हें तो कल रात इसी फिक्र में नींद नहीं आई कि जरूर कोई घपला है, हमें भी चैन से नहीं सोने दिया। अब आपकी छुट्टी। हाँ जी, मेरी छुट्टी तो ठीक है, लेकिन आपकी छुट्टी हो जाती अगर ये छेदीलाल ना पकड़ा जाता तो। वैसे फिक्र करने का बहुत बहुत शुक्रिया फिकर चंद जी। I'm sorry, I mean, फकीर चंद जी। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जो पहले नाम लिया ना फिकर चंद वो भी ठीक है। अजी तभी तो इनका नाम दुनिया में इतना मशहूर है और हमें तो इनकी फिक्रों पर नाज है। अजी इनकी फिक्र से ही तो हम जिंदा हैं। अरे हाँ बाबा बिल्कुल ठीक बोलता है, अगर ये हमारा फिक्र ना करे वही तो हमारा तो मेरा ही गलत हो जाए ना। ले चलो इन दोनों को। चलो भेदी का दिन का मैं निकाल दूं भेजा के थाने में। लीजिए डॉक्टर साहब ये आपकी अमानत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फकीर जी। थैंक यू। कम ऑन सिस्टर, टेक अ जल्दी टू द वॉल। थैंक यू। यार आप किस फिक्र में हैं? चलने चले यार कर्नल। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने तो एक अस्पताल में एक केस पकड़ा है ना, ये छेदीलाल वाला। ऐसे कितने अस्पताल होंगे जहाँ कितने छेदीलाल ऐसे बच्चे चोरी कर रहे होंगे। अरे तो ये सोच कि कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा होगा। अच्छे खासे घरों में जन्म लेने के बाद इन छेदीलालों की वजह से उन बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर रहे हैं। बात तो तेरी ठीक है, फिलहाल कैरी ऑन। सवेरे सवेरे अखबार में मुंह दिए क्यों बैठे? क्यों, मेरे अखबार पढ़ने से तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है? नहीं कष्ट नहीं हो रहा, सिर्फ कोफ्त हो रही है। क्योंकि जब आप अखबार पढ़ते हैं ना तो ना किसी की सुनते हैं और ना किसी से कुछ कहते। क्यों बोलूं और किससे बोलूं और क्या बोलूं? अरे मैं कोई पागल हो गया हूं क्या? मैं साइकिक केस हूं क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? और मुझे मालूम है मैं जब बोलता हूं ना तो मेरे पीछे लोग क्या बोलते हैं। अरे मुंह के सामने सब बोलेंगे फकीर चंद फकीर चंद, और पीठ के पीछे फिकर चंद वरी चंद ये चिंतामणि। बोलो 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 जो मर्जी बोलो मेरे बारे में, मगर मैं फिकर करना नहीं छोड़ूंगा। अरे अगर मैं तुम लोगों की फिक्र नहीं करूंगा तो तुम लोगों का होगा क्या? हाँ अगर तुम लोग अपनी अपनी फिक्र करनी शुरू कर दो तो मैं तुम्हारी फिक्र करनी कम कर दूंगा। माफ करो बाबा मैंने कुछ कहा आपसे, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि आज अखबार में ऐसी क्या बात है जो इतनी नजरें गढ़ा के पढ़े। आप अखबार ही पढ़े। ये अब तुमने ढंग की बात पूछी ना, क्या बताऊं सरला, दिल के अरमान दिल में रह गए। कैसे अरमान? यही कि अपना भी कोई फोटो कभी अखबार में छपता। कुछ ऐसा काम करते तो अखबार में फोटो छपता ना। हाँ ये बात भी सही है भाई, किसी ने हमें कभी गोल्ड मेडल देने की तकलीफ नहीं की, और अखबार वाले उन्होंने कभी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ ऑबिचुरी कॉलम है मगर वो भी तो अपनी जीते जी नहीं देख सकते। कभी तो कुछ सोच के बोला करे, ऑबिचुरी कॉलम में फोटो छपे आपके दुश्मनों का। छोड़ो आगे की सोचो।
आगे की सोचो। आगे की सोचो क्या मतलब? अरे आगे की सोचते सोचते मैंने अपना बचपन अपनी जवानी गवा दी, अब अपना बुढ़ापा भी गवा दूंगा और तुम क्या रहे हो? आगे की सोचो। आज बिट्टू के स्कूल में बसों की हड़ताल है, उसे लेकर आना पड़ेगा। देखो अब ये देश कैसे तरक्की करेगा जब बसों की हड़तालें शुरू हो जाएंगी। अब बस की हड़ताल हुई है तो बिट्टू को स्कूल बिट्टू को स्कूल मैं लेने जाऊं? नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, ऑफिस से छुट्टी कर लीजिए ना। अरे मैं ऑफिस से छुट्टी कर लूंगा तो बिट्टू को स्कूल से लाने के बाद क्या करूंगा? पूरा दिन तो बर्बाद हो गया ना। और मेरे जैसे जिम्मेदार अफसर अगर ऐसी छुट्टियां लेने लगे तो इस राष्ट्र का क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या नहीं होगा, मेरे जैसा आदमी अगर समझो एक दिन में 1,000 का काम करता है तो आदमी 10,000 का काम करते हैं। महीने के हो गए 3,00,000 रुपए और पूरे साल के हो गए ये 36,00,000 रुपए। और इतना बड़ा नुकसान मैं सिर्फ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए राष्ट्र का तो नहीं कर सकता ना। अरे राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, कोई फर्ज है। सुनो अब बिट्टू को स्कूल से तुम लेकर आना। क्या करना कि जाते वक्त पैदल चली जाना और आते वक्त दोनों स्कूटर में आ जाना। मैं सब समझ गई। मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। सब समझ गई ना, शुक्र है जल्दी समझ गई। अरे राष्ट्र के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं ये गड़बड़ हो गया। अगर ये टाइम पे नहीं पहुंची तो और बिट्टू वहां खड़ा रहा तो और बिट्टू अगर वहीं खड़ा रहा या वो पैदल निकल आया, सड़क जमाना बहुत खराब है। नहीं बिट्टू बिट्टू किधर हो बेटा? दीदी सुनो आज तुम्हारे बस की स्ट्राइक है ना। हाँ तो एक काम करना, तुम्हें स्कूल से वापस लाने के लिए मैं आऊंगा, समझे? और सुनो वो तुम्हारा वो जो है ना स्कूल का मेन गेट हाँ। उसके साथ ही तुम्हारे चौकीदार का वो बूथ हाँ। तुम वहीं खड़ा रहना। पापा मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ तो लेट हो रहे हो तो स्कूल जाना बेटा। कैसे जाओ, बसों की स्ट्राइक है, आप मुझे छोड़ने भी नहीं जा रहे। हाँ, मैं नहीं जा सकता सरला। क्या बात है, अरे बिट्टू को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जा रही हो? शेखर सब बच्चों को ले जा रहा है। शेखर ले जा रहा है, देखो शेखर के साथ जाना और किसी के साथ नहीं। चलो भाई चलो। क्या बात फकीर जान, सिर उठ के काम पे लगे हुए हो? यार देख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूँ। यार देख तो रहा हो, चलो चलें। यार क्या बात है, तुम लोगों को मेरा काम करना बर्दाश्त नहीं होता क्या? बर्दाश्त हम तो ये कर रहे हैं, यही बहुत है। सभी जा रहे हैं, हाफ डे डिक्लेयर हो चुका है। क्यों क्या हुआ? ये पूछने के लिए तो तुझे बॉस के पास जाना पड़ेगा। ओ यार तुझे पता तो तू बता देना। हम तो हमेशा आम ही खाते हैं, गुठलियां तो कोई और गिनता है। ये देख ऑर्डर की कॉपी। अरे वाह, तो फिर ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। और मुझे बिट्टू को स्कूल भी लेने जाना है, क्या है कि सरला जा नहीं सकती और बिट्टू के स्कूल में स्कूल बसेस की हड़ताल है। यार ये लोग हड़ताल क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है? हड़ताल से मिलता क्या है? जरा सी कोई डिमांड पैदा की और ये हड़ताल शुरू, वो हड़ताल शुरू, इससे सरकार का होगा क्या? कभी किसी ने सोचा, कभी फिक्र किए किसी ने? या तू जो है बस कर, तू जो सोचता है फिक्र करता सभी की, तेरे होते हुए कोई सोच सकता है? चलो चलें। मैं अभी काम कंप्लीट करके आऊं। यार तू लसुड़ी की खिड़की तरह चबड़ी जाता है, उठता क्यों नहीं तू? नहीं जानेगा भाई, मुझे तो वैसे भी बिट्टू को स्कूल लेने जाना है, तू जा ना, तेरा मेरा रास्ता ही नहीं। ठीक है मैं जा रहा हूं। उसी को तो लेके आ रही हूँ बेटा। और अगर पापा वहाँ पहुँच गए और उन्हें बिट्टू ना मिला तो वो तो बड़े नाराज होंगे। अब बच्चे को भी तो भूखा प्यासा वहाँ नहीं छोड़ सकती थी ना, उनके ऑफिस 3-4 बार फोन कर चुकी हूँ, बैल बज रही है कोई उठा ही नहीं रहा। समझ नहीं आता कैसे खबर करूँ उन्हें। अच्छा चलो तुम हाथ मुँह धो लो, बिट्टू बाहर खाने की टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ रही हूँ। अरे जोगिंदर, वो बच्चों की छुट्टी हो चुकी है क्या? जी साहब हो चुकी, सब बच्चे जा चुके। जा चुके? लेकिन मैंने तो बिट्टू को तुम्हारे वो केबिन के बाहर खड़े होने को बोला था। एक काम करो, वो अंदर होगा, ऐसा करो मेरे बेटे को बोलो कि उसके पापा उसे लेने आए। अरे बोला ना साहब, अंदर कोई नहीं है, सब जा चुका। अंदर कोई नहीं? नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, मेरा बेटा तो बाहर भी नहीं है।
तुम ऐसा करो, बिट्टू को बोलो कि उसके पापा फकीर चंद उसे लेने आए हैं। अरे बाबा, फकीर चंद आए हो चाहे अमीर चंद, हम अपने हाथ से ताला लगा के आया है। ताला लगा के आया? कमरे में ताले लगा दिए? अरे कमरे चेक किए थे कि नहीं? सब चेक किए हैं साहब, कोई बच्चा अंदर नहीं है। किए थे? बाथरूम चेक नहीं किया होगा? बाथरूम में तो ताला भी नहीं लगता। अगर मेरा बेटा बाथरूम में हुआ तो? बाथरूम भी चेक किया हूँ, सारे कमरों में चेक किया हूँ, कोई बच्चा अंदर नहीं है। मैं हूँ और पीछे के क्वार्टर में 3 चौकीदार और हैं, और कोई नहीं है यहाँ। आप घर जाके देखो, आपका बिट्टू घर पहुँच गया होगा। बिट्टू घर पहुँच गया होगा? लेकिन वो घर पहुँचा कैसे होगा? देखो मैं घर जा रहा हूँ, अगर बिट्टू घर में नहीं मिला ना तो मैं मैनेजमेंट के खिलाफ बहुत ऊंची आवाज उठाऊंगा, देख लेना। आप जितनी ऊंची आवाज मर्जी उठाना साहब, आज तो छुट्टी हो चुका है, अब आवाज तो कल ही उठेगा ना। आप जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, कोई सेटल होने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। मैं घर जा रहा हूँ, और अगर नहीं हुआ ना तो कल आऊंगा, देखना तुम। आ जाना साहब, आ जाना, जाओ। तू कहाँ गया होगा? आजकल तो जमाना भी खराब है, कहीं कुछ उसको हो गया तो? अच्छा तो खुला रखा। गोली मार यार। वो किसको गोली मार? और गाड़ी को। हे, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे सुनो, तेरी देर में हमारी देर ना हो जाए। मैं हाथ ना खोलता हूँ तुमसे, खुलता तो है नहीं, कुछ खाते नहीं। एक मिनट भाई साहब, ये सब क्या चक्कर है? ये बच्चा आपका भतीजा है क्या? हाँ जी हाँ। क्यों क्यों मतलब क्या यार? पूछ लिया, पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है? भाई आजकल जमाना खराब जा रहा है, किडनैपिंग के केसेस हो रहे हैं, इसलिए पूछ लिया था। अच्छा ठीक है, अब जाइए आप यहाँ से, कुछ नहीं है। अरे जा ही रहा हूँ, मैं कोई वेला तो नहीं बैठा हुआ यार। ओए गोली मार यार। गोली मार यार, ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। अबे ये हो क्या रहा है, जरा चक्कर क्या, हमें समझाओ जरा। कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से आप। क्यों बेटा, ये तुम्हारे चाचा लगते हैं? मुंह के आगे से हाथ हटा उसका, तब बोलेगा ना वो। अब बोल बेटा। नहीं है? हाँ नहीं, हाँ नहीं। देखो सच सच बता दो, वरना मैं शोर मचा दूंगा। ओए गोली मार यार। गोली मार, इसका मतलब तुम लोग गैंगस्टर हो, ओ किडनैपर्स। मेरे बिट्टू को कहाँ छुपा के रखा तुम लोगों ने? बिट्टू? कौन बिट्टू? हम किसी बिट्टू को नहीं जानते। तुम जानते नहीं हो शायद, हम फकीर चंद हैं, अच्छे अच्छों को फिक्र होने लगती है हमारे सामने खड़े होकर। बताओ मेरे बिट्टू को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? तो बिट्टू है, हैं? है? हाथ नीचे कर, उसको मुंह से बोलने दे, बोल। नहीं, ये बिट्टू नहीं है। और हम में से भी कोई बिट्टू कोई नहीं है। अब बोलो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बिट्टू मुझे नहीं मिल रहा यार। मैं अभी स्कूल गया तो वहां भी नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास भी नहीं है। तो बिट्टू गया कहाँ? सरला तो। सरला? कौन सरला? भाई तमीज से बात कर, तुम्हारी भाभी सरला। बदतमीज कहीं का। ओए ओए गोली मार यार। गोली गोली मार क्या होता है? देखो बड़े भाई की ऐसी ऐसे, फाइनली तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा भतीजा? भतीजा? अरे बिट्टू। बिट्टू? अरे भाई बताया ना यार, तुम हमें क्यों तंग कर रहे हो? हम किसी बिट्टू को नहीं जानते, ये हमारा पहला किडनैपिंग। ये पकड़ा, अब समझ में आया कि तुम लोग वाकई गड़बड़ हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ यार गोली मार इसको। ओ क्या गोली मार, चुप करके बैठा रहे। चलो इस बच्चे को भी लेके आओ, चलो। ओ तू अंदर कहाँ जा रहा है? चल इधर चल, चल। अरे अंदर कहाँ जा रहा है, अंदर क्यों नहीं जाऊंगा? अरे जहाँ तुम इस बच्चे को लेके जा रहे हो वहाँ मेरा बिट्टू भी होगा, किडनैप कर रहे हो तुम। ओ यार ये सवाल बड़े करता है, और इसको गोली मार। चुप कर तू, गोली मार। चलो चलो आ जाओ। देखो लाला टकलू, ज्यादा हिल उचित नहीं करने का, समझे ना? टकलू किसको बोला तूने? टकलू किसको बोला? तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? बदतमीज कहीं का, बदतमीज कहीं का टकलू बोलता है? और छकल से तो तुम शरीफ लगते हो, पहला केस है तुम्हारा इसलिए तुम इतने घबरा कर रहे हो। भाई बातों में वक्त जाया कर दोगे तो पुलिस आ जाएगी और हमको गोली मार देगी, और इसको तो हम गाड़ी में गोली मार देंगे। Thank you.
सारे कर बचावे दूजे दा। देख है ना चला। अरे निजेर खे ओनेर मोष चोड़ाए, निजेर घोर ना बचिए ओनेर घोर बचाते जाए। मनिगे उपकारे पुरिगे उपकारे जन, आयो फिकर चंद जी।